ग्वालियर शहर के स्टेशन बजरिया क्षेत्र में स्थित एक रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करने पहुंचे प्रशासन को दुकानदार के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशासनिक अमला जेसीबी मशीन के साथ बजरिया में पुलिस चौकी के नजदीक स्थित जैन रेस्टोरेंट पर पहुंचा था। प्रशासन का कहना है कि यह होटल रेलवे की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके स्थापित किया गया है, जबकि होटल मालिक का कहना है कि उनका ये फैमिली रेस्टोरेंट 44 साल पुराना है और इसका विधिवत वे रेलवे को किराया भी देते हैं। इसकी रसीदें भी उन्होंने प्रशासनिक अमले को दिखाई। तो दुकानदार द्वारा शटर नहीं खोलने पर नगर निगम के अमले ने उनके शटर का ताला तोड़ दिया। इसके बाद दुकानदार मुकेश जैन और उनके वृद्ध पिता जेसीबी मशीन के आगे बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये एक तरफा कार्यवाही है और उनका प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है, जिस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में प्रशासनिक अफसर उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आखिरकार होटल मालिक द्वारा 2 दिन का समय मांगने के बाद प्रशासनिक अमला वापस लौट आया। होटल मालिक का यह भी कहना कि स्टेशन क्षेत्र के विस्तार में यदि सभी दुकानें हटाई जाती हैं तो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ उनकी दुकान को टारगेट करके हटाया जा रहा है। प्रशासनिक अफसरों ने यह भी कहा कि दुकानदार को पूर्व में नोटिस दिए जा चुके हैं, उसके बाद भी बेदखली की कार्रवाई करने के लिए वे आए थे। अब दुकानदार द्वारा 2 दिन में अपना सामान हटाने की मोहलत मांगने के बाद फिलहाल कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। ये रेलवे के द्वारा सूचना दी गई थी हमको कि कोई हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इनकी दुकान ये एनक्रोचमेंट है, ये इसको हटाने के लिए आज वहीं उसी के लिए आए थे। तो इन लोगों ने 2 दिन का समय मांगा है, रिक्वेस्ट किया कि सामान हटाने के लिए और उसके लिए 2 दिन का समय दें। तो एस डी एम साहब से बात की गई थी, एस डी एम साहब ने बोल दिया 2 दिन के लिए मोहरत दे दी है। जी नहीं, वो तो रेलवे ने इनको सर्व कराया होगा ना, वो ऑर्डर होगा, ये तो पार्टी भी है उसमें, इनके पास ऑर्डर होना जरूरी है। सर किस लिए इंक्रोचमेंट माना गया, कोर्ट ने उसको इंक्रोचमेंट मांगा है, अतिक्रमण माना है और उसके आधार पर उन्होंने हटाने के उसको ऑर्डर।